मेरा नाम राजेंद्र प्रताप हुआ। ये हमारे महाराज जी की शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है। यहाँ पे हमारी जलेबी कचौरी मिलती है, अच्छे मिलते हैं। और ये जलेबी और लड्डू भारत मिठाई के अंदर सबसे अच्छी मिठाई मानी जाती है। और यहाँ की जलेबी क्रंची पतली और मीठी होती है, लॉन्ग लाइफ है इसके, दो चार दिन भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या है, जो महाराज जी जो 40 साल पहले जब शुरुआत की थी तब के और आज में कितना? हम प्रयास करते हैं कि उसी तरह का टेस्ट हमेशा बना रहे, हमेशा यही प्रयास करते हैं कि टेस्ट में किसी तरह कोई कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं है हमारे। अच्छा बताइए, जलेबी तो बहुत बनते हैं, बहुत सारे शौक, आपकी जलेबी क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, सबके अलग इतनी अंदर है, गलियों के अंदर शहर में जलेबी भरमार है, लोग फिर भी आ रहे हैं, क्या है महाराज जी का सम्मान है, अच्छा स्वाद मिलता है उनको, लोगों का सम्मान हम लोग को देते हैं, हम भी प्रयास करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा सम्मान दे, कोई शिकायत नहीं हमारे प्रति। तो महाराज जी ने दुकान की शुरुआत कब की? 40 साल हो गया हमारे, बहुत संभालने के टाइम चाहिए, अलग ही होती है, हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता है, तरीका अलग अलग होता है। एक घर में चार आदमी होते हैं, चार तरह का सामान टेस्ट बनता है। जलेबी के अलावा क्या है? जलेबी मिठाई वगैरह जैसे लालमोहन, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, काजू बर्फी, मम्मी के साथ नाश्ता के लिए वो कचौरी और जलेबी का मेल होता है। वो सुबह दुकान खुलने का क्या समय है? 8 से 10 बजे तक जलेबी बनाते हैं हमेशा डेली। अच्छा, डेली के कितने मैदा खपत हो जाता है? 10 किलो करीब हो ही जाता है, 5 से 10 केजी खपत हो जाती है करीब 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 करीब। और वही पुरानी चीज आज भी? अच्छा, और प्रयास भी करते हैं कि वही स्वाद दें ग्राहक को, ताकि हमेशा स्वाद बरकरार रहे। हमारे स्टाफ सब का बहुत बड़ा सहयोग है कि वो हमारे पूरे कॉपरेशन करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ हर तरह का कॉपरेशन करते हैं। वर्कर क्या है, पुराने हैं बाबूजी के समय? वर्कर तो है, तो पुराने वर्कर है, 20-25 साल पुराने बुजुर्ग अभी भी काम कर रहे हैं। मसाला लगा 10 रुपया। मेरा बेटा मुंबई से आता है तो रोज सुबह में यहीं से लेके जाता है, तभी नाश्ता करता है। अच्छा, तो जलेबी यहाँ की काफी प्रसिद्ध है? सब कुछ फेमस है, सब कुछ फेमस है, सब कुछ, कोई चीज नहीं खराब है। वही तो बताया आपको, दोनों भाई जितने अच्छे हैं, दोनों महाराज जी उतना ही अच्छा इनका सामान भी है। जलेबी खाने आई है? जी, खुरमा लेने आई है। अच्छा, खुरमा मिलाद में कैसा है यहाँ का जलेबी और खुरमा? बहुत बढ़िया है, जो भी सेवा होता सारा मिठाई यहीं से ले जाती है। क्या है ऐसा खास महाराज जी की दुकान में? हम लोग छोटे से आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके जाते हैं, छोटे से ही आ रही है, जो भी कुछ भी होता हम लोग यहाँ पे, यहाँ से सब रेट भी बहुत अच्छा है, यहाँ महंगा है मगर यहाँ पे स्वाद से बहुत ही बढ़िया, रेट भी अच्छा है और यहाँ का चीज भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जो पहले टेस्ट जैसे आप बता रही हैं बचपन से आ रहे हैं, जो शुरुआत में वो वही है? वही टेस्ट। अच्छा, हम लोग जितना ले जाना हो, थोड़ा भी लेना है तो यहीं आते हैं, और तेल भी लेना है तो यहीं आते हैं। यहाँ का डालमोट भी बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, भाई साहब शंकर प्रसाद, कितने सालों से काम कर रहे हो? 20 साल से। 20 साल, आपकी एज कितनी होगी? हमारा 40 साल। 40 साल, 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या है महाराज जी में ऐसा, क्या मतलब प्यार दे रखा है आपको? महाराज जी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, मालिक भी अच्छे हैं। आपको इतने रह पाए हम लोग, नहीं तो मालिक अगर कैसे करता तो फिर हम लोग रह नहीं पाते ना। बहुत अच्छे मालिक। अच्छा, जलेबी यहाँ की काफी फेमस है, क्या कैसे बनाते हैं आप लोग? वो तो मैदा का पोटी जो है सर, उसमें और भी सामान मिलाया जाता है, अपने अपने कोशिश रखते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बने, दुकान चलेगी तो फिर हम लोग का भी रोजी रोटी चलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से हम लोग काम करते हैं ध्यान लगा के, और यही है। कितने वर्कर हैं आप लोग टोटल यहाँ जो काम करते हैं? 6-7 वर्कर हैं। 6-7 वर्कर हैं, परमानेंट है आप लोग वर्कर? अच्छा, 20 साल से आप काम करते हैं। आप क्या बनाते हैं? हम जलेबी बनाते हैं, कभी कभी बुनिया बना लेते हैं, कभी मिठाई बना लेते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? ओम प्रकाश। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से आप भी, मतलब सब पुराने हैं एकदम? मालिक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मालिक में पगार मिल जाता है, बढ़िया एकदम। हाँ, पगार उगार ठीक ठाक मिल जाता है। क्या बनाते हैं आप?
हम लोग तो हर काम करते हैं। हाँ, कचौड़ी बना लेते हैं, नमकीन बना लेते हैं, सब सबके काम में हाथ बटाते हैं। हाँ, बस जो है काम मिला जुला के सब हिसाब से। हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, समय पर जलेबी भी बना लेते हैं। क्या बात है, जलेबी काफी आपकी दुकान के यहाँ की प्रसिद्ध है, नामी है, नामी है। अच्छा, तो नाम को अभी बरकरार रखे हैं? हाँ जी। चलिए, किशनगंज के महाराज जी जलेबी शॉप, जो कि शहर का सबसे प्रसिद्ध जलेबी है, यहाँ लोग काफी आते हैं, और गली के अंदर ये दुकान है, गांधी चौक के करीब यहाँ समीप ये शॉप है, और लोग यहाँ काफी चाव से आते हैं, और यहाँ की जलेबी पूरे शहर में प्रसिद्ध है। कहना यही है कि वही पुरानी टेस्ट है जो महाराज जी की शुरुआत जो किए हैं, हम लोग उसको बरकरार रखे हैं, और कोशिश भी है कि बरकरार रखें। किशनगंज से धीरज कुमार की रिपोर्ट।